तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलका बुखारी ने पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी, जब आगे बढ़ेगा तो उससे चीजें मंजर आम पर आएंगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि जिस जिसने इस तरह पाकिस्तान की रियासत के इदारे और फौजी तंजीबात जो है उसको नुकसान पहुँचाया, उसको पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक कैसरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और आईनी और कानूनी तकाजे जो है उनको हमें मुकम्मल तौर पर फॉलो करना चाहिए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी का जो अमल है वो आगे ना बढ़े। और जिस तरह इन्वेस्टिगेशन का अमल आगे बढ़ेगा, आई थिंक जो इसके पीछे लोग हैं वो मंजर आम पर आएंगे और आई थिंक उनके खिलाफ अदालत के अंदर कार्रवाई भी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक। जी मैम, ये बताइएगा कि कुछ इस तरह का तौर दिया जा रहा है सीबीआई के जो लोग बच गए उनकी तरफ से कि जबरदस्ती पार्टी के लोगों को छोड़ने की पार्टी की जबरदस्ती चुनाया जा रहा है, आपके ऊपर कोई प्रेशर है पार्टी छोड़ने का या अपनी मन से अपने दिल से अपनी मर्जी से आप पार्टी छोड़ रही है? देखिए, हर किसी की पार्टी छोड़ने की अपनी वजूहत हो सकती है, लेकिन मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती और दबाव नहीं था। मेरे और भी एज अ पाकिस्तानी शहरी, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, जो सब कुछ हुआ मैं उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती, तो मैंने अपनी सोच के मुताबिक, अपनी दानिश के मुताबिक अपनी फैमिली को टाइम देने का फैसला किया है। वकालत का जो प्रोफेशन है उसके अंदर अहम किरदार अदा करने का फैसला किया। आप 16 दिन जेल के अंदर रही, आपको आईन और कानून के मुताबिक जेल के अंदर रखा गया और किस तरह का सलूक किया गया आपके साथ? देखिए, आई थिंक अगर आप कभी पहले जेल ना गए हों तो जेल की मुश्किलात का सामना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दिलेरी और बहादुरी से तमाम मुश्किलात का सामना किया और अब फैसला उसी वक्त किया जब जेल के अंदर 16 दिन गुजारे और चीजों को समझा और देखा। और ऐसा जेल में कोई शिकायत नहीं कि किसी ने मेरे साथ बदसलूकी की, लेकिन सी क्लास जेल की सहूलियात में असर थी मुश्किल। मैडम, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डर लगती है, हम इस मनीषा बुखारी को जानते थे, बड़ी एनर्जेटिक होती थी लेकिन बड़ी डल बॉडी लैंग्वेज लग रही है। जैसे उन्होंने सवाल किया तो किसी किस्म का प्रेशर अगर आप बताना नहीं चाहिए अलग बात है, नहीं ऐसा कि आप पे नहीं कोई दबाव नहीं है। देखिए, आप मुझे नहीं पता कि कितने लोग यहाँ इस जो महफिल में बैठे हैं, मेरे भाई और बहने जो जर्नलिस्ट है, कितने दिन हरियाणा में टाइम गुजार के आए हैं। अगर आप कभी हरियाणा जेल के अंदर एक दिन गुजारा हो, मई की गर्मी में तो जरा मुश्किल होती है, तो कुछ थकन है और कुछ वैसे भी आई थिंक जहनी तौर पर जो जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उससे हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो परेशान है, तो मुझे भी परेशान है। ये बताइएगा कि एक तो बता दीजिएगा किन किन अहदों से आपने इस्तीफा दिया, क्या क्या अहदे थे, और दूसरा ये कि आपने हमेशा बड़ी मेहनत गुफ्तगू की, फिर क्या नौबत आई कि आज ये पार्टी किस बात का ये नतीजा भुगत रही है, कि कौन सा बयानिया था कि जो इस पार्टी के लिए मुश्किल का बायस बना और मैसेज क्या है पार्टी के लोगों के लिए? देखिए, मैं सीपीआई की लीगल स्पोर्ट्स पर्सन थी और उनकी जो मेन कमेटी थी उसकी मेंबर थी, तो मैंने उससे इस्तीफा दिया है। लेकिन देखिए, जो 9 मई को हुआ उसमें कौन लोग शामिल थे उसकी निशानदेही होगी, लेकिन एक सुर्ख लकीर जो है उसको तो क्रॉस किया गया। अगर सुर्ख लकीर को क्रॉस किया जाता है तो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक उस सुर्ख लकीर को क्रॉस करने वाले जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त अमन की जरूरत है, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की रहनुमा मलिका बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है।